हैदराबाद के हमारे पुलिस ऑफिसर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले एक महीने से जब हमारा पूरा शहर लॉकडाउन के सिचुएशन में है, ऐसे मौके पे आप सब हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर्स 24 आवर्स, चाहे वो दिन की 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो या रात का सन्नाटा, 24 आवर्स आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे मौके पे एक तरफ पुलिस डिपार्टमेंट को लॉकडाउन इंप्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है, दूसरी जगह इसेंशियल सप्लाईज का मूवमेंट को भी चालू रखना है, और यह भी ध्यान रखना है कि हमारे गरीब भाई बहन भूखे न रह जाएं। ये तीनों का बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, और यह बैलेंस काम आप एक महीने से बहुत बाखूबी से निभा रहे हैं। हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर्स, मैं आप सभी के फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पूरी दुनिया जब घर में फैमिली के साथ है, ऐसे मौके पे आप अपनी फैमिली को छोड़कर सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, कई साल के बाद जब लोग इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे और जब देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था, तो उस समय लोग आपकी मेहनत, आपके सेक्रिफाइस, आपके हार्डवर्क को याद करेंगे। और ऐसे मौके पर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत क्या है वो बाहर नजर आती है। दोस्तों, इस मौके पे मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का, इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है, हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं, उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं, शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आए, उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए, और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बड़ा बहुत तकलीफ की बात होगी। आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। हमारे डियर ऑफिसर्स, जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ईश्वर, अल्लाह, इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को। अगर एक तरफ यह कोरोना एक क्राइसिस है तो दूसरी तरफ यह कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं, दूसरे को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है, और वो दिल उन गरीबों के लिए है
जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की, उसके साथ यह भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहें। मुझे यह देखकर इतनी खुशी होती है कि पिछले 20 दिनों में कम से कम 8 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, जो प्रेग्नेंट लेडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए जब वो लोग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का था। इस तरह की वारदात को देखकर हमारी आंख नम हो जाती है। परसों एक विक्टिम को अपने ब्लैंकेट से कवर करके एक कांस्टेबल ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को सैल्यूट करता हूं। ऐसे देश में आज इस क्राइसिस के समय खाकी वर्दी जब सामने खड़ा है तो लोगों को उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति इज्जत, उसके प्रति फक्र होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ यह कहता हूं कि आप लोगों के टीम मेंबर होने का मुझे बहुत फक्र है। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें एक ऑटो ड्राइवर खुद अपने ऑटो को तोड़ते हुए दिखाया गया। बहुत तकलीफ की बात है, कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना ऑटो खुद तोड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इंसान के अंदर, उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्ड वर्क के ऊपर बहुत फक्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूं। आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं। पहली मदद गरीब को करें, अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे, हम गरीब के लिए हैं, इस बात को दिल में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। జనం సాక్షి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని నొక్కడం మర్చిపోవద్దు.